लाल किला के अंदर बताओ कि पानी भर जा रहा है, हाँ वो पानी कौन फेंकवाएगा? लाल किले में पानी भर गया? हाँ, तो हरियाणा में कांग्रेस के बीजेपी के टक्कर के लहर चल रही है, बाकी बीजेपी के खोपड़ी साफ है। ये बकरा के सीढ़ी होता है ना, तो दिमाग से बताओ, दिमाग से आदमी चलाता है। नहीं, अभी मोदी जी का भी कर रही है, जवाब केजरीवाल ले रहा है, दिल्ली वाले जवाब ले रहे हैं, राहुल गांधी कह दिया है हम दिल्ली वाला का 100 रुपया के हम ईमान देंगे, हम इसे क्या देगा, क्या करेंगे मोदी जी, अमेरिका जाके घूमेंगे, ताली बजाएंगे, हम तो ऐसे बोलते हैं, लेके घूमने राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। आपका क्या है जी, कितने यूनिट फ्री दोगे सर आप? सत्ता इनका चुनाव चिन्ह का निशान हो गोलगप्पा। देश में ऐसे लोग हैं जो सच की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार, मेरे YouTube में सच की आवाज पे आपका स्वागत है। सर, दिल्ली वालों को तो इतना ठगा ही ठगा है, अपना 45 करोड़ की कोठियां बनाई है, कहाँ से बनाया, लोगों को ठगा, झूठ बोल बोल के ठगा है। केजरीवाल ने बोला था मैं जेल से बाहर हो गया हूँ, ये चापा दे देंगे। केजरीवाल, 2 दिन का बाढ़ के टाइम है, मोदी जी आए कहाँ रहे, ये राज कौन संभालेगा, ये केंद्र के सरकार है, तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, ये झाड़ू नहीं लग रही है, केजरीवाल चला रहे हैं। 10 टाइम बताओ कि झाड़ू से सफाई होता था, मशीन से धुलाई होता था, हाई BW वाला 1 टर्म लगा के सुबह के चल जा रहा है, गली गुच्ची के बताओ कूड़ा धारा पड़ा है, नई दिल्ली में जाके देखिए सड़के पर, घरे घरे दुकान वाले अपने दे बताओ कि पैर कूड़ा ठेल रहे हैं, हाँ ये राज का कौन संभालेगा, मोदी संभाल पाएगा, हरियाणा के बताओ कि जी संभाल पाएगा, बीच में बाधा क्यों डाल रहा है, इतने बताओ उनका राज चलाना है LG के, तो हरियाणा के क्यों नहीं चला पा रहे हैं, दिल्ली पर इतना ध्यान क्यों दे रखे हैं, हाँ लाल किला के अंदर बताओ कि पानी भर जा रहा है, हाँ वो पानी कौन फेंकवाएगा, लाल किले में पानी भर गया, हाँ तो पानी कौन फेंकवाएगा, पूरी सड़क पर पानी भर जा रहा है, हाँ LG कह रहा है कि हम केजरीवाल ऐसे कर रहे हैं, उनका करने नहीं देंगे। हरियाणा के अंदर अब जिस तरीके से चुनाव है, हाँ। और पूरी सीटों के ऊपर केजरीवाल अलग अलग लड़ रहे हैं, कांग्रेस इंडिया गठबंधन काम नहीं कर रही, तो हरियाणा का आप क्या समझते हैं? हरियाणा में कांग्रेस के बीजेपी के टक्कर के लहर चल रही है, बाकी बीजेपी के खोपड़ी साफ है, खोपड़ी साफ है, नहीं आएंगे, ये बकरा के सीढ़ी होता है ना, तो दिमाग से बताओ, दिमाग से आदमी चलाता है कि देश के कैसे चलाना है, घर में उनका चलाने का औकात नहीं है, अब बताओ कि अमेरिका अब विदेश चल जाते हैं, अरे इंडिया के तो देखो इंडिया में क्या हो रहा है, अभी मेरठ में है 10 लोग मर के बताओ कि हत्या हो गया, योगी जी की सरकार है, एक बार कहीं गए अभी देखने के लिए मेरठ के अंदर, जवाब कौन लेगा, केजरीवाल लेगा दिल्ली से रह के, हाँ कि मोदी लेगा, हाँ क्या कहते हैं जी आप, यूपी के अंदर जो ये बता रहे हैं आप सहमत हैं इनसे? अब इसने देखा होगा, हमें तो यूपी में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, हम तो रहते हैं से बाहर ही कर रहे हैं, रहते हैं दिल्ली में, रहते हैं दिल्ली के रस्सा से ही चले में बात करो दिल्ली, हाँ योगी जी कहते हैं कि हम अपना उपी संभाल लेंगे, अभी नवेडा में भी लोग क्या कर रहे हैं कि हुआ था बिजली पानी हमारा दे ही नहीं रहे, घर घर टंकर नहीं पहुंच रही है, हम नल से पानी बताओ खींच रहे हैं, हाँ हुआ अखिलेश ने बोल दिया है कि अब की मेरा विधानसभा के सरकार बन गई तो हम मंदिर के तालाब की तुड़वा के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बाकी इनको हम मोदी जी के अमित शाह के डर है कि हम जेल जाएंगे, केजरीवाल के जेल में डालो, बाकी बाहर नहीं खेलेंगे, अभी जवाब नहीं, अभी मोदी जी का भी कल रही है, जवाब केजरीवाल ले रहा है, दिल्ली वाले जवाब ले रहे हैं, राहुल गांधी कह दिया है कि अमेरिका के आवाज पर गाय माता के हम पिपड़ी दे रहा हूँ, पिपड़ी पर मोदी जी के अभी चुनाव जीत के दिखा दे हम दिल्ली वाला का 100 रुपये के हम इनाम देंगे, हम इसे क्या देगा, जनता एक देने, क्या करेंगे मोदी जी, अमेरिका जाके घूमेंगे, ताली बजाएंगे, घरे घरे 5 लाख बोल रहे बिहार में, तो ये कह रहे हैं अमेरिका जाके घूमेंगे मोदी जी, इसका तो पता होगा आपको, आज आप ठंडे हो गए बिल्कुल, ठंडे नहीं होगा, यही बताएंगे, फालतू हमने बोलते बिना सबूत के बोलते नहीं, बोलिए समझे, बिना सबूत के नहीं बोलते, हम तो ऐसे बोलते हैं, ये देखो सबूत लेके घूम रहे राहुल गांधी, ये आतंकवादियों का ये हाल था, देखिए मोदी जी, ये आतंकवादियों का पूरी दिल्ली में बम ब्लास्ट होते थे, अच्छा भाई राहुल गांधी अमेरिका बैठा था, दंगल करवाया था, मोदी अभी नहीं आए थे मीना बाजार लाल किला के चौक पर, नहीं आए थे,
ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई ना, इनका तो हिसाब ही हो गया, इस जमाने के तो पेड़ भी कट के खत्म हो गए। ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 12 साल हुआ, 12 साल हुआ, समझे। पूरे दिल्ली में बम ब्लास्ट होते थे, कभी जामा मस्जिद पे, कभी लाल किले पे, कभी चांदनी चौक में, कभी पहाड़गंज में, कभी सरोजनी नगर में, तो कभी लाजपत नगर में। तो ये कांग्रेस करवाती थी? कांग्रेस करवाती थी। दिल्ली के अंदर रेहड़ी पटरी वालों के जो लाइसेंस मिले हुए थे कमा के खाने के लिए, 1957 में म्युनिसिपल कमेटी किसने भंग करवाई थी, 1958 में कारपोरेशन किसने बनाई, इसका नाम रखना था कर परेशान। गरीब की रेहड़ी 1000 की, जुर्माना 2000 का। अंग्रेज चले गए, डकैतों को छोड़ गए। तो मैंने वो 20 साल पहले का चांदनी चौक भी देखा हुआ है कि यहाँ पे भरपूर रेहड़ियाँ लगी रहती थी, पानी वालों की रेहड़ियाँ लगी रहती थी। आपको सबूत दिखाऊं? आपको सबूत तो मेरे पास मौजूद है, ऐसे ये नहीं कर। आप सबको सबूत दिखा रहे हैं हमारे बाबा जी, देखे जरा। जब आए सबूत दिखाने थे इनको। अभी जम्मू कश्मीर में अभी इलेक्शन हो रहा है, जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन हो रहा है, ये रेहड़ी 1000 की है, जुर्माना 2000 का। नहीं, ये तो दोनों अलग अलग बातें हैं। अलग कैसे है भाई, ये अलग कैसे हो भाई? क्या दिखा रहे हैं? अलग कैसे हो भाई? ये मैनिफेस्टो लाए क्या अपना? हाँ जी, मैनिफेस्टो लेके आए। चुनाव लड़ेंगे चांदनी चौक से? आपका क्या है जी, कितने यूनिट फ्री दोगे सर आप? मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है इनका चुनाव चिन्ह का निशान हो गोलगप्पा, गोलगप्पे के नाम से फेमस है। गोलगप्पे खाने को मिला नहीं है चाचा। नहीं, मेरा एक सवाल है, जिंदगी का मजा तो खट्टे में है, खट्टे और मीठे में नहीं यार। मैं सोच रहा हूँ चाचा को जाते जाते गोलगप्पा खिला दूँ, देखो भागेंगे अभी।